भक्ति की तो वो अचानक बंद करे, भक्ति की तो अचानक बंद करे। बच्चों के लिए बोला है, बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं, या तो ज्ञानी है या तो भक्त है। ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है। तो ज्ञान में चल पड़े तो भक्ति उड़ जानी चाहिए या रह जानी चाहिए? भक्ति के संस्कार तो उड़ जाने चाहिए। भक्ति कहा जाता है अंधश्रद्धा अंधविश्वास को, जिन बातों का कोई आगा पीछा नहीं है, कोई कारणकारी का विश्लेषण नहीं है। ऐसे काम करना और दूसरों से कराना, उसको कहा जाता है भक्ति। और ज्ञान कहा जाता है समझ को। समझ अर्थात कोई भी कार्य करे उसके कारण और कार्य का विश्लेषण होना चाहिए। अंधश्रद्धा में चलते रहने से और दूसरों को चलाते रहने से दुनिया नीचे गिरती जा रही है। भगवान की हजार नियामत मिली है बुद्धि, और हर मनुष्य आत्मा को ये बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। नंबर वार ये बुद्धि का वरदान हर एक को यूज करना चाहिए। और अभी तो परमात्मा बाप आया हुआ है बुद्धि का दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र खोलने के लिए। तो जिनका जिनका नेत्र खुलता जा रहा है उन्हें उस मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आ जाना चाहिए। बिना विचारे, बिना सोचे समझे, बिना ज्ञान की बातों से टैली किए कोई काम नहीं करना। अगर परंपरा के अनुसार करते हैं, परंपराओं से तो दुनिया नीचे गिरती चली आई। अभी तो नई दुनिया की परंपराओं का, नई बातों का फाउंडेशन पड़ना चाहिए। और हाथ उठाओ। हाँ, ठीक है। यथा अर्थ मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ, उस पार्ट बजाने वाले के स्वरूप को प्रैक्टिकल रूप में जो पार्ट बजाए रहा है उसको बच्चे नहीं पहचान पा रहे हैं। बहुत से ऐसे नहीं, सब बच्चे ऐसे हैं, लेकिन बहुत बच्चों की लिस्ट ऐसी है जो साथ रहने के बावजूद भी बाप के स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं। नहीं पहचान पाते हैं तो उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी होगी अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, छोड़ के चले जावेंगे। एक होते हैं अंत तक साथ निभाने वाले, या नंबर वार साथ निभाने वाले, और एक होते हैं साथ न निभाने वाले। जितना ही अंत तक साथ निभाने वाले हैं उतने ही ज्यादा निश्चय बुद्धि की लिस्ट में। और उन देवी देवताओं से और कोई सनातन हो ना सके, सनातन माना क्या होगा? पुराना 5000 वर्ष का ड्यूरेशन है ड्रामा का, उसमें सबसे जास्ती पुराने थे पुराने पार्टधारी कौन हैं? जो बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, वो 5000 वर्ष के ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले होने के कारण पुराने से पुराने हैं, असल सनातन धर्म के हैं। सनातन माना ही पुराना। हनुमान की श्रेणी में आता है जिन्होंने भक्ति का वरदान मांगा,
और रविंद्रनाथ टैगोर भारत के, उन्होंने भी कहा मैं 100 जन्म भारत माता की सेवा के लिए लेना चाहता हूँ, क्या वो भक्त है या जानी? वो भारत माता किसी माता को कहते हैं या जमीन को कहते हैं? देश प्रेम की भावना को। हाँ हाँ, वो माता किसको कहते हैं? देश जमीन को माता कहा जाता है, जड़ जमीन को माता कहा जाता है, या माता कोई चैतन्य है जिसके ऊपर फिदा होना है? ज्ञानी कोई भी बात कहेगा तो समझ करके कहेगा। जब कहते हैं भारत माता की जय हो, तो जय चैतन्य की होगी या जड़ की होगी? एक है भारत माता और एक है जगत माता, दोनों में कोई अंतर होगा या नहीं होगा? जगत माता माने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उसको एडम के साथ ईव के रूप में, आदम के साथ हवा के रूप में मानेंगे, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, सब उस जगत माता को मानते हैं। लेकिन जगत माता 500 करोड़ की माता है, जगत जननी है, और भारत माता सिर्फ भारतवासियों की माता है, जो आज से अंत तक भारत में रह करके पाठ बजाते हैं। है जो दावा करते हैं हनुमान जी सेवक से, वो ज्ञानी हैं, देवता हैं या मनुष्य हैं, बार बार भक्ति का महिमा करते हैं? हनुमान हो या गणेश हो या कोई जानवरियत का भगवान का अवतार हो, वो अवतार भगवान के अवतार हैं, ईश्वर के अवतार हैं, या ऐसे ही भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा पूर्वक ठोक दिए हैं? भगवान एक होगा या अनेक रूपधारी होगा? भगवान आएगा तो भगवान के रूप में मनुष्यों को सुधारने के लिए आएगा या जानवरों का रूप धारण करके जानवरों के रूप में आएगा? अकल चलती नहीं है, बुद्धि चलती नहीं है, तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास के आधार पर चलते हैं, उसको कहा ही जाता है भक्ति। और भक्ति से होती आई दुर्गति 2500 साल से। भक्ति चलती है मनुष्य गुरुओं के द्वारा, और भगवान ही एक ऐसा सदगुरु है कि जब आता है तो ज्ञान को पंत कृपान को धारा, ज्ञान की ऐसी कटार चलाता है, तलवार चलाता है, चलाना सिखाता है, जो भक्ति का उच्छेदन हो जाता है। और बाबा महावीर से कहते महावीर का पाठ कौन बजाता है? महान वीरता का पाठ बजाए वो ही महावीर। शंकर का पाठ ही महावीर का पाठ है, जैसे जैनियों में कहते हैं महावीर, जैनियों ने 24 तीर्थंकर दे दिए हैं, वास्तव में है तो एक ही भगवान का अवतार। कीचड़ में रह करके कमल फूल समान जीवन बिताने वाला ही महावीर है। हनुमान कहते हैं द्वापर युग से हनुमान और गणेश की पूजा होती है, द्वापर युग में भी जब उतरती कला हो जाती है तब हनुमान और गणेश का उदय होता है। जब भक्ति मार्ग का सात्विक स्टेज होता है उस समय गणेश और हनुमान जैसे जानवरीय देवताएं नहीं होते। कलयुग आदि में द्वापर के लास्ट में ऐसे देवताओं की उपासना बढ़ जाती है, देवियों की उपासना बढ़ जाती है, जानवरीय जैसे देवताओं की उपासना बढ़ जाती है, एक भगवान जिसे अभिविचारी भक्ति कहा जाए वो छूट जाती है। एक होता है अभिविचारी भक्ति एक की उपासना, और एक होती है व्यभिचारी भक्ति अनेक की उपासना। वास्तव में न 24 अवतार हैं न 10 अवतार हैं, भगवान के रूप में, भगवान के रूप में माना और जाने वाला असली अवतार तो एक ही है जो भक्ति मार्ग के आदि में पूजा जाता था, शिव, और उसका साकार स्वरूप है शंकर।
इसलिए 33 करोड़ देवताओं के बीच में शिव के साथ सिर्फ शंकर को ही जोड़ा जाता है, और किसी देवता को नहीं जोड़ा जाता। और देवताओं में भी महान देवता शंकर ही माना जाता है, इसलिए एक ही भगवान का असली स्वरूप है, उसे ही महावीर कहा गया है। हैं? 60 और 60 वर्ष से ऊपर। दादा देख रहा कि उम्र जो दिखाई गई है 1800 क्यों दिखाई गई है? 1876 भी दिखाई गई है और 1886 भी दिखा दी है अभी बाबा, और ज्ञानामृत पत्रिकाओं में ही दिखाई गई है। भारत नगरी जो उनका लेख आया पत्रिकाओं में पेपरों में, सब छिहत्तर दिखाई गई उनमें। उनके दिखाने से बात चल जाएगी, और पुरानी किताबें जब निकाली जाएंगी अब ज्ञानामृत पत्रिका की, उसमें जो पुरानी पुरानी बहनों ने लिखा है वो झूठ कर देंगे। दुराव कर रहे हैं इस समय है? भेदभाव कर रहे हैं उस समय। भेद उनका खुद का ही तो लिखा हुआ है ज्ञानामृत पत्रिका, उस समय की भी पुरानी अगर कोई रिसर्च की जाती है तो पुरानी बात को ज्यादा मान्यता दी जाती है या नई बात को ज्यादा मान्यता दी जाती है? पुरानी, ओल्ड इज गोल्ड। तो पुरानी जो ज्ञानामृत पत्रिकाएं हैं और जो त्रिमूर्ति पत्रिका है पुराने समय की, उसमें जो लिखा हुआ है दीदी दादियों ने वो सात्विक लिखा होगा, या अभी बाद में जो लिख रहे हैं वो ईसा देश से प्रभावित होकर लिख रहे हैं वो ज्यादा अच्छा होगा हा? और दूसरी बात, मुरली में तो बोला हुआ है कि मुरली जो है वो कराची से निकलती चली आई है, और मुरली चलती है तो कैसे पता चलता है कि शिव बाप आया हुआ है? वाणी चली और मुरली बता रही है कि सन कराची में सन 47 से मुरली गलती चली आई, उससे पहले मुरली चलाते नहीं थे, 10-15 पेज लिखते थे ब्रह्मा बाबा और बाप लिखाते थे, माने कोई बच्चे बच्चियां थी जिनमें प्रवेश होकर के शिव बाप लिखाने का काम करते थे और ब्रह्मा बाबा बैठ करके लिखते थे। बाद में कराची में जब संगठन इकट्ठा हो गया ओम मंडली का, तब मुरली निकलना शुरू हुई, उससे पुरानी मुरली का कोई प्रूफ नहीं है। इससे साबित हो जाता है कि सन 47 में ब्रह्मा बाबा की एज 60 साल थी और 87 में 100 साल हो गई, तो सन 87 में 100 साल हुई तो उसमें से 100 साल घटा दिए, कितना आया 1886 87 आया। तो झूठ ही, झूठ के पांव नहीं होते हैं, पांव माने बुद्धि रूपी पांव, झूठ जो है बिना बुद्धि लगाए बोला जाता है, एक तरफ झूठ बोलेंगे दूसरी तरफ बुद्धि से पकड़ लिए जाएंगे। अब उनसे पूछा जाए मुरली में फिर ये क्यों लिखा है कि कराची से मुरली निकलती चली आई है, पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, तो मुरली की बात ज्यादा पक्की होगी या मनुष्य गुरुओं ने जो ज्ञान पत्रिकाओं में दो दो बातें लिखी हुई हैं वो ज्यादा पक्की होंगी? हाँ जी, वैष्णो देवी हाँ मुरली से घटी है, इसमें चेहरा वाल लाल लाल है बिल्कुल, तो चेहरा लाल लाल नहीं होना चाहिए, पीला पीला होना चाहिए। देवियों का तो सभी का चेहरा लाल ही लाल दिखाया जाता है, प्योरिटी की पावर होगी तो लाल लाल नहीं होंगे। और आगे है माता पिता जमाल पानी पिला, जल में लोटा डुबाना गजब हो गए, गंगा बहे पीछे यमुना बहे बीच त्रिवेणी का बहना लगे, अंधे माता का डाल माता का डाल
अंधे माता और अंधे पिता। शास्त्रों में जो पुराना शास्त्र है पुराण पंथी का, जहाँ की ये सब गीतें गीत और कविताएं आदि निकली हैं, उनमें लिखा हुआ है धृतराष्ट्र अंधे और गांधारी अंधी, दोनों ही अंधे हो गए, तो दोनों अंधे माता पिता हो गए। वो तो शास्त्रों की बात हुई, लेकिन शास्त्रों में बातें कहाँ की लिखी हुई है, है? संगम युग की ही बातें लिखी हुई है। ये संगम युग में ही वास्तव में दोनों प्रकार की बातें चलती हैं, बाहर की दुनिया में और अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में भी। बाहर ब्राह्मणों की, बाहर की जो दुनिया है, दुनियावी तौर पर गांधी जी हुए कहते थे हम राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य तो उन्होंने सिर्फ बंद आंखों से देखा, अपनी स्थूल आंखों से देख नहीं सके, अज्ञान के अंधे थे, इसलिए रावण राज्य और ही जास्ती पुरजोर से स्थापन हो गया। वो बाहर की दुनिया की बात हुई, रिजल्ट ये हुआ कि गांधी जी भारत देश का विभाजन करके चले गए, भारत माता का बंटवारा कर दिया। ऐसे ही शास्त्रों में लिखा है गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों ने देश का विभाजन कर दिया, इंद्रप्रस्थ पांडवों को दे दिया खांडवप्रस्थ, और जो हस्तिनापुर का राज्य था वो दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन माना पाकिस्तान, और युधिष्ठिर और पांडव माना हिंदुस्तान। तो अब दो भाग जब हो जाएंगे तो लड़ाई निश्चित है या नहीं है? बाहर की दुनिया में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई निश्चित है या नहीं है? निश्चित लड़ाई होगी, क्योंकि दो खंड कर दिए। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो खंड हो गए, एक एडवांस पार्टी और दूसरी बेसिक पार्टी। एक है पाकिस्तानी, जामिया मुशर्रफ का राज्य चलता है, मुरली के महावाक्यों का राज्य नहीं चलता है, देदारी जो गुरु कह देंगे वो ही माना जाएगा। और एक है एडवांस पार्टी, जहां मुरली की बातों को छोटे छोटे बच्चे भी उठा लेते हैं, भले इंचार्ज बहने कुछ भी कहती रहे, अपनी जबरदस्ती करती रहे, लेकिन वो मानने वाले नहीं। तो रही बात श्रवण कुमार की, अब वो अंधा अंधी का राजी हुआ, दादा लेखराज और कुमार का दादी के रूप में, जिन्हें पता ही नहीं कि भगवान गीता का भगवान वास्तव में कौन है। तो अंधे कहा कहे जाएं या सोजरे कहे जाएं, अंधे। और उनसे पालना लेने वाला कौन बना? जो बीके में से ही निकलते हैं, ऐसा पालना लेने वाला बच्चा जिसका शास्त्रों में सबसे जास्ती श्रवण और गायन होता है, अरे बेसिक की दुनिया में से ही सारे एडवांस में आए हैं कि बाहर से आए हैं? बेसिक से ही आए हैं। तो उस बेसिक की पढ़ाई में से पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों में अव्वल नंबर बच्चा कौन हुआ? वो अपनी बुद्ध रूपी टोकरी में सबसे जास्ती उनको याद करता है, जिन्हें कहा जाता है ब्रह्मा बाबा,
और टाइटल लेने वाली जगदम्बा, जिन्होंने बेसिक में टाइटल लिया, किसका टाइटल लिया? ओम राधे का टाइटल लिया। किसने लिया? गांधारी ने लिया। तो दोनों अंधे हो गए, माता भी अंधी और पिता भी अंधी, और बच्चा कौन हुआ? श्रवण कुमार। और श्रवण कुमार माना क्या? कौन सी आत्मा है? जगदीश भाई नहीं, उन्होंने क्या जीते जी भगवान बाप के पार्ट को पहचाना है? राम वाली आत्मा। और जो मध्यम पुरुषार्थ कर पा रहे हैं उन्हीं के लिए बोला गया, नहीं तो अव्वल नंबर जो बच्चे हैं वो तो 9 बजे तक सो जाएंगे और 2-3 बजे उठ जाएंगे। और कुमारी का अर्थ क्या है? कुमार का अर्थ है कुमारी का, जैसे अमेरिका का अर्थ है आ मेरे का, आओ मेरे हो क्या, ऐसे ही कुमारी का अर्थात कुमारी हो क्या, मन कुमारी है नहीं लेकिन संसार समझता है कि कुमारी है। और भक्ति से दुर्गा की हो तो कहते हैं ना, फिर ये क्यों कहा गया कि भक्ति करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलने से भगवान बाप की कृपा होती है, तो भक्ति माना दुर्गति ये कैसे कहा गया? भक्ति माना भगवान मिल जाए फिर भी अगर भक्ति करता रहे तो दुर्गति होगी या सदगति होगी, इसलिए कहा गया है। ज्ञान मिलने के बाद भी कोई भक्ति की बातों में लगा रहे, ज्ञान की बातों पर ध्यान न दे, भक्ति के आडंबरों में ही बुद्धि लगाता रहे, पुरानी पुरानी जरा जीर्ण परंपराओं को अपनाता रहे, तो नीचे गिरेगा या समाज को ऊंचा उठाने के निमित्त बनाएगा या बनाएगा, क्या बनेगा? नीचे गिरेगा और दूसरों को नीचे गिराएगा। इसलिए भक्ति दुर्गति है और ज्ञान सदगति है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ रिते ज्ञान अन्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, ऐसे नहीं लिखा है वैराग्य से मुक्ति, या सन्यासियों को मुक्ति मिलती है या निर्वाण धाम के वासी हो जाते हैं, वाणी से परे इस दुनिया में कोई जा ही नहीं सकता। अगर वाणी से परे कोई 2500 साल में गया होता तो दुनिया की आबादी कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए, एक भी वानप्रस्थी नहीं बना, सब इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं क्योंकि किसी में ज्ञान ही नहीं है, सब अज्ञान के अंधे हैं, भटकते रहते हैं, ठिकाना नहीं मिलता बुद्धि को भगवान कौन है और कहाँ है और कैसे पार्ट बजाता है, क्या करता है। और शंकर को पांडव ने रह करते दिखाया गया है, हाँ जी, इसका मतलब क्या है? ताड माने क्या है? ताड माने पिटाई, तांडव माने पिटाई करने वाला, डांस माने ज्ञान डांस, माने कैसा ज्ञान डांस किया, एक एक आत्मा में जो कमजोरियां भरी हुई हैं, जन्म जन्मांतर के भक्ति मार्ग के संस्कार भरे हुए हैं, श्रीमत के बरखिलाफ चलने के संस्कार भरे हुए हैं, असुरों को फॉलो करने के संस्कार भरे हुए हैं, विधर्मियों और विदेशियों को फॉलो करने के संस्कार भरे हुए हैं, दिखावा के संस्कार भरे हुए हैं, उन संस्कारों को नाश करने के लिए शंकर के द्वारा तांडव नृत्य किया जाता है।
ऐसी ऐसे ज्ञान के पॉइंट उठा उठा के सुनाते हैं जो उन्हें डंडे की तरह लगते हैं, जैसे घाव हो जाता है। उनको शास्त्रों में बताया है बाण, ज्ञान तलवार, ज्ञान के बाण, ज्ञान के डंडे। ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी सुनाई गई वो ज्ञान के डंडे नहीं अनुभव होते, ज्ञान के बाण नहीं अनुभव होते जो घाव कर दें, घायल कर दें किसी को। ज्ञान की कटारी या तलवार अनुभव नहीं होती जो कोई का देहभान बिल्कुल कट जाए, सर अलग हो जाए और देहभान रूपी धड़ अलग हो जाए। लेकिन शंकर का ज्ञान दान सहता है जो सारी दुनिया के देहभान को खलास कर देने वाला है। और बाबा ने नल और नील राम कृष्ण की आत्माएं। हाँ जी, लेकिन मुख्यमंत्री का राम नल और नील जब पत्थर डालते थे समुद्र में डूब जाते थे, लेकिन जब राम ने डाला तो वो डालते थे तैरते थे, राम ने जब डाला तो वो डूब गए। अरे राम जो भक्ति मार्ग में कहा गया है वो राम कोई देहधारी था या निराकार था? कृष्ण जिसे भक्ति मार्ग में कहा गया है वो कृष्ण भगवान निराकार शिव है या कोई साकार शरीरधारी है? कौन है, है? साकार शरीरधारी को उन्होंने भगवान मान लिया है। लेकिन ज्ञान में हमारी समझ में बात आ गई कि गीता में जिस भगवान की बात कही गई है वो निराकार है या साकार है? निराकार शिव है। ऐसे ही रामायण में जिस भगवान की बात कही गई है वो भगवान निराकार शिव है या कोई दशरथ का बेटा है? निराकार शिव है। तो निराकार शिव उनके हाथ से पत्थर तैराने की बात नहीं है। किसके द्वारा पत्थर तैराने की बात है? जो रामकृष्ण की आत्माएं हैं उनमें एक है नल और एक है नील, निशोत काला। उन दो बंदर हैं, उन विशेष दो बंदरों के बुद्ध रूपी हाथों से जो चैतन्य पत्थर तैराए जाते हैं, चैतन्य पत्थर बुद्धि रूपी आत्माएं ज्ञान सागर में तैराई जाती हैं, उनसे वो ज्ञान रत्नों का पुल तैयार होता है। ये उसका अर्थ है। और बाबा, ये भारत में सुनामी लहर आई 26 दिसंबर 2005 में, उसी रात को मध्य प्रदेश के जिला देवास में सोनकच्छ की पहाड़ी पर, पिछली पहाड़ी पर एक दिगंबर जैन मुनि की सभा में हनुमान जी नृत्य कर रही थी। ठीक है, तो ये बेहद आज में जो घटना हुई इसका संबंध बेहद में भी कहीं ब्राह्मणों की दुनिया में कुछ घटना होने का है या वैज्ञानिक और बहुत भौगोलिक परिस्थितियों से सुनामी लहर काना तांडव नृत्य प्रकोप हुआ? आ गया है कि बीज में हरकत होती है तो गर्मी होती है। अभी बताया, एक है बाहर की दुनिया और एक है अंदरूनी ब्राह्मणों की दुनिया। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो तबके, एक एडवांस की दुनिया और एक बेसिक की दुनिया। वो तो बात बताई हेमा मालिनी की मध्य प्रदेश में नृत्य की किसी गुरु की सभा में, दिगंबर जैन मुनि। जबकि दिगंबर जैन मुनि जो हैं वो बहुत पवित्र माने जाते हैं। और बंबई की फिल्म अदाकार उतने पवित्र तो नहीं माने जाते, उनको लोग उतनी श्रेष्ठ दृष्टि से तो नहीं देखते। जैसे शास्त्रों में तीन प्रकार की अप्सराओं से बहुत गायन हुआ है, रंभा, उर्वशी और मेनका। ऐसे ही फिल्मकारों की दुनिया में तीन बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन? नहीं, तीन हीरोइन हैं। हीरो की बात उन्होंने नहीं की,
तीन हीरोइने बहुत प्रसिद्ध हो गई, कौन कौन? हेमा मालिनी जो अभी बताई, और हैं हाँ श्रीदेवी कह दो, बैजंती माला भी थी पहले, बैजंती माला जब गई तो उसका नाम दूसरा पड़ गया श्रीदेवी। जो श्रीदेवी है वही ज्ञान की भाषा में बैजंती माला है। तो बाहर की दुनिया में जो बातें चलती हैं वो अंदर की दुनिया में भी चलती हैं। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी तीन देवियां प्रसिद्ध हैं। एक है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, इसको नाम दिया गया वैजंती माला, या तिरुपति में उसका नाम दिया हुआ है श्री देवी, और दूसरी विशेष देवी का नाम है पद्मावती। पद्मावती माना हे माँ मालिनी, माँ की पुजारी जो होते हैं ना वो माँ को हे माँ कह करके पुकारते हैं। जैसे तिरुपति का मंदिर है वो दक्षिण भारत में है या उत्तर भारत में? दक्षिण भारत में भी जो ईस्ट का किनारा है वहां पर वो मंदिर बना हुआ है, आंध्र प्रदेश के जस्ट दक्षिणी भाग में। तो जो पद्मावती है वास्तव में वो ही हेमा मालिनी है। मालिनी माने माला बनाने वाली, जैसे नाम दिए है ना माली, माली माने क्या करता है? माला बनाता है। मालिनी क्या करती है? वो भी माला बनाती है। तो नाम रख दिया है, हद में भी वही नाम है, बेहद में भी वही नाम है। और ये नाम जो होते हैं वो काम के आधार पर होते हैं। तो बाहर की दुनिया में तो ये भूकंप आया, वैसे ऋषियों मुनियों की सभा में उन बम्बैया अभिनेत्रियों के नाच गाने का क्या मतलब? कोई मतलब ही नहीं, लेकिन पैसे कमाने हैं, धंधा दुनिया भी बनाना है, दुनिया में भी वाइब्रेशन फैलाने हैं, तो ये सब चलता है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी अजूबा गरूबा होता है। उस समय वो परिवर्तन हुआ, कौन से सन की बात बताई? 2005। अच्छा हुआ नहीं गए। मध्य प्रदेश के जंगलों में मैं आदिवासियों को योगा सिखाता था। हाँ जी। इस वजह से नहीं गया कि वो नंगे गुरु की सभा में हमारे नाटे। हाँ जी। आई हाँ जी। तो मैंने इसे एनालाइज किया, कलाम जी को एक लेटर लिखा राष्ट्रपति को कि ये आध्यात्मिक कारण से घटना हुई है, वैज्ञानिक या भौगोलिक से हुई, साइंस इसको पकड़ पाएगी, सुना भी जाएगा। विरोधाभास जो होता है तो जहाँ सख्त विरोध होता है सच्चाई का वहाँ कुछ घटना भी जरूर घट जाती है। सुनामी लहर का सबसे जास्ती असर कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, मद्रास में। एक तमिलनाडु ही राज्य ऐसा है जहाँ हिंदी का सख्त विरोध होता है, और भारत के इतने स्टेट्स हैं कहीं भी हिंदी का इतना सख्त विरोध नहीं होता है, पढ़ाई जाती है हिंदी स्पेशली। वहां राज्य किसका चला? जयललिता शास्त्री, जय अम्मा उनका नाम दिया गया। नाम क्या दिया गया? जय अम्मा। ये नाम इसी समय के हैं सब। वो बाहर की दुनिया की जय अम्मा हो गई, ये भारतीय जो मुख्य भाषा है भगवान की भाषा उसका विरोध करने वाले की भाषा हो गई। भगवान आता है तो शिव आता है शंकर के रूप में, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी, कल्याणकारी भाषा सुनाता है। और जो महाकाली आती है वो कैसी भाषा सुनाएगी? विनाश की भाषा सुनाएगी या स्थापना की भाषा सुनाएगी? विनाश कारणी संहार कारणी शक्तियां गाई हुई है या देवता गाया हुआ है?
देवियां गाई हुई हैं। उन देवियों में मुख्य देवी है महाकाली। वो महाकाली की जीव से ऐसी वाणी निकलती है जो सब धराशायी हो जाते हैं। वो प्रकृति का रूप है, प्रकृति अर्थात पांच तत्वों का संघात, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। उन पांच तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी में पांच तत्व सबसे जास्ती तादाद में समाये हुए हैं। जैसे पांच विकारों में मुख्य विकार कौन सा है? काम विकार। तो काम विकार जैसे मुखिया हो गया, ऐसे ये पृथ्वी पांच प्रकृति के तत्वों में मुखिया है। पृथ्वी माता कहो जगत माता कहो बात एक ही हो जाती है। तो जगत माता का जब उल्टा प्रकोप होना शुरू होता है तो ऐसी ऐसी सुनामी लहरें शुरू हो जाती है। और उन लहरों में सबसे ज्यादा विनाश होता ही है उनके अपने प्रदेश का, जहाँ भारतीय भाषा को कोई मान्यता नहीं देते। ये भगवान की भाषा है। कौन सी? हिंदी भाषा। भगवान आकर के हिंदी भाषा में बोलता है। कहते ना इनकी तो भाषा ही बदल गई। भाषा बदल गई माना नहीं, जो जो विचार है, विचार सरणी है, वो पूरी बदली हुई है। राम संप्रदाय जो एक भाषा बोलेगा तो रावण संप्रदाय उसके विपरीत भाषा बोलेंगे। और कुमारिया बंधन कुमारिया कुमारी जीवन जो है वो कलयुग के अंत में जो भारतीय परंपरा चल रही है वर्तमान में राजनीतिक तौर पर, राजनीति के तरफ से कुमारियों को पूरा संरक्षण मिला हुआ है। जो भी 18 साल की कुमारियां हो गई हैं वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी जाकर के अपना जीवन बिता सकती हैं। न माँ बाप का उनको कोई बंधन है, न कोई दूसरे संबंधी का बंधन उनको डाला जा सकता है। सिर्फ उनका अपना मन कंट्रोल में होना चाहिए। मन किसी के बंधन में न हो, कोई देहधारी के बंधन में फंसा हुआ न हो। और ज्ञान में आने के बाद अगर आपस में एक दूसरे से लगाव लग जाता है, कोई भाई से लगाव लग जाए या कोई बहन से लगाव लग जाए तो उसे कहेंगे सोने की जंजीर। वो सोने की जंजीर तोड़ना और बड़ा मुश्किल होता है। लौकिक दुनिया की जंजीरें हैं लोहे की जंजीर, और ब्राह्मणों की दुनिया में आकर के ब्राह्मणों में आपस में एक दूसरे से फंस जाना और मुरली की बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देना, मनुष्य जैसे चलाए, मनुष्य संगी साथी जैसे चलाएं, उनके आधार पर चलने लग पड़ना, तो उसको कहते हैं बंधन वाली कुमारी। सोने की जंजीर में बंध गई, लोहे की जंजीर तोड़ना फिर भी सहज है क्योंकि कानूनी नियम बना हुआ है कि माँ बाप या कोई भी लौकिक संबंधी कुमारी को बंधन नहीं डाल सकते। वो जहाँ कहीं चाहे वहाँ चली जाए। कुमारियाँ निर्बंधन होती हैं। माताएं तो एग्रीमेंट किया हुआ है कोई न कोई पुरुष के साथ, वो बंधन में बांधी हुई हैं। जब तक पुरुष उनको परमिशन न दे लिखित रूप में तब तक वो इधर उधर अपना जीवन यापन नहीं कर सकती। कुमारियों को ऐसा कोई भी बंधन नहीं है। और जोर से बोलो कौन सा डाकू? अंगुलीमार। हिस्ट्री में आया? हिस्ट्री में आया या टीवी में आया? टीवी में आया। हाँ,
हाँ बोलो आगे। ठीक है महात्मा बुद्ध जैसे हाथ काट काट करके महाकाली अपनी कमर की लज्जा को ढांकती है, वो तो हाथ काटने की बात हुई। हाथ काटना माने भुजाएं काटना, भुजा काटना माने सहयोगी शक्ति जो भगवान की थी, भगवान को सहयोग देने वाली जो बाहें थी उनको काट लिया अज्ञान की भाषा सुना सुना करके, अर्थात ग्लानिंग करके भगवान की। और वो भुजाएं काट करके अपनी लज्जा का आवरण ढक लिया। ऐसे ही अंगुली मार नाम का कोई राक्षस था, जो छोटे छोटे सहयोगी बनते हैं, एक होते हैं बड़े सहयोगी, उनको भुजाओं के रूप में कहा जाता है, और एक होते हैं छोटे सहयोगी, उनको किस रूप में कहा जाता है? अंगुली के रूप में। उन छोटे छोटे सहयोगियों को मार काट देता था, मार काट मचा के आतंकवाद फैला के उनको अपना सहयोगी बना लेता था, उसका नाम दिया गया अंगुली मार। जैसे शास्त्रों में कथा आई है कि भगवान ने सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाई लिया, तो भुजा पर क्यों नहीं उठाया? माना बड़ा सहयोगी नहीं उठाया उन्होंने, ऐसा सहयोगी उठाया गोवर्धन पहाड़ की पालना करने के लिए। 16,000 जो गौए हैं, ऐसी 16,000 गौए वाले पहाड़ जैसी ऊंचे कार्यवाही को पालन करने के लिए जिस शक्ति को निमित्त बनाया वो अंगुली के समान शक्ति थी, अंगुलियों में भी सबसे छोटी शक्ति। कौन? जो भी 108 माला के मणके हैं रुद्रमाला में, उनमें सबसे कम ताकत वाला मणका वो पीपल का पत्ता है, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा हुआ पीपल पात सरिस मन डोला। जैसे पीपल का पत्ता हिलता है ना थोड़ी सी हवा का झोंका आने से, ऐसे वो आत्मा पीपल के पत्ते के मुताबिक थोड़ा भी हलचल आ जाए तो हिलने डुलने लग पड़ती है। लोग समझते हैं ये पीपल के पत्ते की नैया अब डूबी की डूबी, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। भगवान बाप का कहना है जैसे माला का पहला मणका मेरे बिल्कुल नजदीक है, ऐसे माला का आखिरी मणका भी मेरे उतना ही नजदीक है। इसलिए वो उंगली का मिसाल दिया गया है, सबसे छोटी उंगली है, भुजा नहीं है भगवान की लेकिन सबसे छोटी उंगली। माना वो अंगुली माल जो डकैत था, वो छोटे छोटे सहयोगियों को जो भक्ति मार्ग में महात्मा बुद्ध के या उनके फॉलोअर्स के सहयोगी थे, उन छोटे छोटे सहयोगियों को माने जिनमें कम ज्ञान होता था उनको तोड़ लेता था, और तोड़ करके उनको अपने गले की माला बनाता था। और बाबा अभी अमृत वाणी में बोला है दिलदार दादी ने आत्मा और परमात्मा दोनों को समान का पाने है। दिलदार दादी ने आत्मा और परमात्मा दोनों को समान का पाने, दिलदार दादी ने आत्मा परमात्मा की समानता पाली, समाने का कार्य अच्छा किया, आत्मा परमात्मा को समाने का कार्य किया। दिलदार दादी सिर्फ हद में ही है या बेहद में भी है? एक तो है हद की नॉलेज, बेसिक नॉलेज, और एक होती है बेहद की नॉलेज। कौन सी? एडवांस नॉलेज। एडवांस नॉलेज में भी दीदी दादियां हैं या सिर्फ बेसिक में ही दीदी दादियां हैं? एडवांस नॉलेज में भी गुले गुलजार करने वाली कोई दादी है,
जिसके लिए कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना जब तक मिट्टी में न मिलाया जाए, दाना जब तक खाक में न मिले तब तक गुलशन तैयार नहीं होता, बाग बगीचा तैयार नहीं होता। गुलशन का पौधा तब बनेगा जब को बीज अपने को खाक में मिला दे। रुद्रमाला की महात्माएं हैं जो अपने अस्तित्व को खाक में मिला देती हैं और अपना लक्ष्य पूरा करती हैं। उनमें से जो अव्वल नंबर है उसका नाम दिया गया गुलजार। वो हद की प्रवेशता है और ये बेहद की प्रवेशता है। जो कोई की भी बुद्धि को चेंज कर सकती है। और जो अव्यभिचारी भक्ति करते हैं द्वापर युग के आज से लेकर के अंत तक, जिनको कहा जाता है शैव समाजी, शैव संप्रदाय वाले, और उनमें भी लिंगायत संप्रदाय वाले आज बहुत मिलते हैं, खास करके दक्षिण भारत में बहुत मिलते हैं। उनका नाम क्या है संप्रदाय का? लिंगायत संप्रदाय, माने अपने गले में क्या डाले रहते हैं? शिवलिंग डाले रहते हैं, माने आखिरी जन्म में भी है तो भी किसकी पूजा करते हैं? एक शिव की पूजा करते हैं। ऐसी आत्माएं जब ज्ञान में निकलती है तो और किसी की नहीं सुनती, वो सिर्फ एक शिव को पहचानने के बाद शिव के ही बताए हुए रास्ते पर चलती है, औरों की बात मानती भी नहीं सुनती भी नहीं। जोर से बोलो। ऐसा आइनरी जन्म कहा जाता है जैसे ब्रह्मा बाबा का एक जन्म हुआ ज्ञान में, और एक जन्म जो हुआ है वो 1886 से लेकर के 1986 तक का गिना गया, 100 साल ब्रह्मा की आयु, दादा लेखराज ब्रह्मा, उसमें 47 से लेकर के और 68 तक उन्होंने ज्ञान में प्रत्यक्ष होकर के कार्य किया। माना 7 साल की वानप्रस्थी अवस्था में शिव ने प्रवेश किया और 69 में शरीर छोड़ दिया, तो टोटल मिला करके 100 साल आए तो नहीं हुई। उसमें 87 तक का पीरियड और मिलाया जाए तो 100 साल हो जाता है। तो जो सूक्ष्म शरीर से उनका एक्स्ट्रा आर्डिनरी शरीर गिना जाएगा, लेकिन वो तो ब्रह्मा बाबा जैसी आत्माओं की बात हुई। प्रजापिता वाली जैसी आत्माएं जो हैं, वो सन 36 से जन्म लिया, बेहद का दिव्य जन्म प्रजापिता ने, उस समय आयु थी 7 साल। वो 7 साल में 84वां जन्म उनका शुरू हुआ और उसकी समाप्ति हुई जाकर के जब 100 साल ब्रह्मा की आयु हो जाती है, कौन से सन में? 76 में। सन 76 तक उनका 84वां जन्म हुआ प्रजापिता का, और 76 के बाद जो भी सन 36 तक शरीर चलता है वो एक्स्ट्रा आर्डिनरी जन्म है, पहला जन्म भी है नए सत्य रूपी रंगमंच का, और एक्स्ट्रा आर्डिनरी जन्म भी है। जैसे प्रजापिता को लागू होता है ऐसे और आत्माओं को भी जो एडवांस में आती है उनके लिए भी लागू होता है। जब से उनको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए
कि मैं आत्मा 33 करोड़ देवताओं में से कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूँ, तभी से उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म शुरू हो जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म माने पहला जन्म, 21 जन्मों में से पहला जन्म। हाथ उठा। हाँ अलग अलग इसलिए हो गई कि हम आत्मिक स्थिति कहें तो आत्मा है यहाँ प्रकृति में, और उसमें हमने समझ लिया आत्मा के साथ परमात्मा बाप भी बैठा हुआ है, तो शिवो हम हो जाएगा कि नहीं है? हो जाएगा। इसलिए आत्मा को याद करने के साथ साथ बाप जिस शरीर रूपी रथ में विराजमान है वो भी याद आना चाहिए, और जब आत्मा की याद आएगी तो परमात्मा ज्योतिबिंदु को याद करना कठिन नहीं होगा। इसलिए पहली सीढ़ी है आत्म की स्थिति धारण करना। कोई देवान में रहना चाहे और परमात्मा बाप को याद करना चाहे, ये हो नहीं सकेगा। और रामायण सीरियल आई थी राम का। हाँ जी हाँ जी किया गया था। हाँ जी अब सुने 2008-09 में आ रही है। ज्ञान मर्द पे संक्रमण है, वो बहुत रिपीटिशन नहीं होता है। 88-89 में त्रेता युग की शूटिंग पूरी हुई या नहीं एडवांस पार्टी के हिसाब से? तो एडवांस पार्टी के हिसाब से त्रेता युग की शूटिंग पूरी हुई माना शूटिंग पीरियड में राम का जो विशेष काल लगाया हुआ है वो समाप्त हुआ और रामायण का सीरियल शुरू हो गया। ऐसे ही यहाँ भी अब बीच में जो 89 से लेकर के 99 और 99 से 2009 क्या ये 20 साल व्यतीत हो गए, अब वो फिर चक्र शुरू हो रहा है। जो राम वाली आत्मा है उसमें कृष्ण वाली आत्मा भी विराजमान है। अंतिम स्टेज ऐसी होती है कि राम वाली आत्मा कृष्ण वाली आत्मा के ऊपर सवार हो जाती है, जो शास्त्रों में दिखाते हैं शंकर ने बैल पर सवारी की, तो दोनों मिलकर के अव्यक्त बाप दादा एक साबित हो जाते हैं, तो उनका काल चलता है। फिर रामायण शुरू सीरियल हुआ, अच्छा तो है। पतित से पावन बनने का वही तरीका होगा जो पावन से पतित बनने का तरीका है। सिर्फ अंतर ये है कि पतित से पावन बनने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो तरीका है एक से पतित से पावन बनते हैं। क्या विविचार से पतित से पावन बनेंगे या विविचार से पतित से पावन बनेंगे? हैं? अब विविचार से पतित से पावन बनेंगे और द्वापर युग से विविचार शुरू होता है। अनेकों के संग के रंग से पतित पावन आत्माएं जो देवताएं थे वो पतित बन गए। संग के रंग में आकर के पतित बने या बिना संग के रंग में आकर के पतित बने? हैं? पतितों के संग के रंग में आने से विभिचारी बनने से पावन से पतित बन गए। पावन देवताएं थे फिर अनेकों के संग के रंग में आए तो पतित बन गए।
अब वो ही प्रोसीजर उल्टा करके फिर अपनाया जाए। उसके लिए ये जरूरी है कि एक को पहचाने और उस एक पावन जो एवर प्योर है उसको पहचान कर उसके संग के रंग से फिर पतित से पावन बने, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। एक मिनट रुको, बात पूरी होने दो। अभी हो गया? हाँ बोलो। किसी के प्रभाव में आठ साल रहने से क्यों? किसी के प्रभाव में दो साल रहने से नहीं चलेगा, एक साल रहने से नहीं चलेगा। ये तो प्रभाव में आने की तीव्रता के ऊपर है। कोई संघ के रंग में आता है हल्का हल्का आता है, लंबे समय तक संघ का रंग चलता है, और कोई संघ के रंग में ऐसा आता है कि थोड़े समय में ही ज्यादा संघ का रंग लग जाता है। तो कोई आठ साल की बात नहीं है, खास तीव्रता के ऊपर है। और नई दुनिया में जाएंगे वो सजाए नहीं खाएंगे। नई दुनिया में जो है जाने वाले सिर्फ आठ ही होंगे या उससे ज्यादा होंगे। जाना तो है, लेकिन पहले पहले कितने जावेंगे? हैं? बस आठ जाएंगे तो सजाए नहीं खाएंगे। पहले पहले जो निकल गए तो निकल गए, और बाद में जो जाएंगे कुछ न कुछ चोट लग जाएगी। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पहली ट्रेन जो निकल गई सो सेफ निकल गए, बाद में जो ट्रेनें चली उनको कुछ चोटें जब तो जरूर जरूर आएंगी। और हाँ, लक्ष्मी को सच्ची गीता कहते हैं ना? है? लक्ष्मी को सच्ची गीता कहते हैं, तो सत्यनारायण के साथ उनकी पूजा क्यों नहीं होती है? पवित्रता की देवी भी है। लक्ष्मी को सच्ची गीता कहते हैं, लेकिन सच्ची गीता का भगवान तो नहीं कहते हैं। सत्यनारायण एक है गीता का भगवान और एक है गीता, ज्यादा ऊंचा कौन हुआ? है गीता का भगवान ज्यादा ऊंचा हुआ तो ज्यादा सच्चा कौन हुआ? गीता का भगवान ज्यादा सच्चा भी होगा जरूर। लक्ष्मी में कोई ना कोई झूठाई भी रही होगी। किस बात में झूठी है? इस बात में झूठी है कि बकरी का पार्ट बजाती है। जिसने कान पकड़ लिया झूठी झूठी बातें सुनाना शुरू कर दिया, बस उसी के प्रभाव में आकर रहती है। इसलिए मुरली में बोला है त्रिमूर्ति में वास्तव में एक है बकरी, एक है घोड़ा और एक है शेर। शेर अपनी दहाड़ के सामने और किसी की दहाड़ को टिकने नहीं देता, और न किसी की दहाड़ से प्रभावित होता है। और बकरी जहाँ शेर की दहाड़ सुनी और बस धराशायी हो गई। तो जो बकरी का कान पकड़ ले उसी के प्रभाव में आ जाती है। इसलिए सत्यनारायण की कथा गाई जाती है, सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं गाई जाती। लक्ष्मी के भी कान कच्चे थे, इसलिए बकरी के कान लटके हुए होते हैं या खड़े हुए होते हैं, उससे तो ज्यादा कान खड़े हुए गधे के होते हैं जो रावण के शीश पर दिखाया जाता है। रावण फिर भी समझता था कि एक भगवान है।